मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ग्यारसपुर में कुशवाहा महासभा के तहसील अध्यक्ष मणिराम कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में विशाल के हत्यारों को पकड़ने के लिए ग्यारसपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विदिशा बरीपुरा के रहने वाले विशाल कुशवाहा उम्र 17 वर्ष की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की गई थी, जिसके संबंध में आज जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक कुशवाहा महासभा के स्वजाति बंधुओं ने हत्यारों को पकड़ने के लिए एवं उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिलाने के लिए शासन से मांग की है। 7 दिन के अंदर विशाल कुशवाहा के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो कुशवाहा महासभा विदिशा आंदोलन करेगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हमारी सभी कुशवाहा समाज की यह मांग है कि जो विशाल कुशवाहा की जो हत्या हुई है वो बहुत ही गरीब थी और उस परिवार में वो शायद अकेले ही थे, तो हम सभी कुशवाहा समाज के गांव से लेकर के पंचायत तक और तहसील तक जिले तक यानी सारे समाज के लोग आज उनका ज्ञापन तहसील में जिले में कलेक्टर को वहां पर दे रहे हैं और प्रशासन से इस बात की हम मांग कर रहे हैं सभी कुशवाहा समाज के कि जिन्होंने जो हत्या की है उनको तो पहले पकड़ना चाहिए, इसके बाद में जो दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए और प्रशासन से समाज इस बात का भी मांग कर रही है कि वो गरीब परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख 7 लाख जो भी होता है उसको जो है आर्थिक सहायता मिले ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके। यदि 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि यदि 7 दिन के अंदर इसी प्रकार से अगर कोई काम नहीं हुआ तो समाज फिर एकत्र इकट्ठे होकर के जिले से लगा के प्रदेश तक का एक सामूहिक रूप से ज्ञापन देने को मजबूर होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।